आस्था, श्रद्धा और भक्ति सब एक तरफ रहकर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के नित्य नए उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इस आनंद फानन में कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यताओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं का हनन भी हो रहा है, और ऐसा ही एक मामला सीहोर के सलकनपुर धाम यानी विजयासन देवी मंदिर में देखने को मिला है। दरअसल यहां मंगलवार को प्रथम आरती के समय मंदिर की सुरक्षा में लगे एक पुलिस जवान को मंदिर के अंदर ही चप्पल पहनकर घूमता देखा गया। मंदिर की सुबह की आरती के पहले से ही चप्पल पहना था। जब देवी जी की आरती चालू हुई तब भी पुलिस के एक स्टार जवान ने चप्पल नहीं उतारी। वहीं जब रिपोर्टर ने उससे चप्पल पहनने पर सवाल किया तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या मंदिर प्रशासन ने इसे चप्पल पहनकर मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी थी, या फिर पुलिस को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह ड्यूटी के दौरान किसी भी मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर जा सकते हैं। यह हिंदू धर्म की आस्था का उल्लंघन है। अगर नियम कानून की बात करें तो कई पुलिसकर्मी की वर्दी पर उनके नाम की पट्टिका भी निर्धारित है। वहीं इस मामले की जानकारी लगने पर साधु संत समाज ने एक स्टार पुलिसकर्मी की निंदा की और इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से कार्रवाई की मांग भी की है। सीहोर से चंदन सिंह भगवान रिपोर्ट। हमें मालूम हुआ और बड़ा दुख हुआ कि हम सनातन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये लोग पुलिस वाले हो चाहे कर्मचारी हो, अगर ऐसा अनुचित काम करेंगे तो उन पे जो है उनकी शिकायत करेंगे और उन पे कार्रवाई करवाएंगे। हम खट दर्शन रेवा मंडल की तरफ से और सभी साधु संतों की तरफ से उनकी शिकायत करेंगे, क्योंकि अभी सनातन के विषय में अभी योगी आदित्यनाथ जी ने परसों मीटिंग किए हैं, उनमें कहा कि अगर मंदिर जो है नहीं संभलेंगे तो साधु संतों को सुब्रत किए जाएंगे और जो गलत काम करेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।